दिल्ली के शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले 100 दिनों से चल रहे प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मंगलवार सुबह प्रदर्शन स्थल को पूरी तरह से खाली करवा लिया है। इसके अलावा वहां प्रदर्शन के दौरान लगाए गए टेंट को भी हटा दिया गया है। हालांकि लोगों ने कहा कि हमने रात को ही कर्फ्यू की आशंका से प्रदर्शन स्थल खाली कर दिया था। साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन वाली जगह से लोगों को हटा दिया गया है। आने जाने के लिए रास्ते को खाली कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स बुलाई गई थी। हमने प्रदर्शन कर रहे लोगों से अपील की थी कि कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से यहां से हट जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया है। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। प्रदर्शन स्थल पर पुलिस की 10 कंपनी लगाई गई है। पुलिस 4 ट्रक में सामान भरकर ले जा रही है। इससे पहले पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए आसपास की गलियों को ब्लॉक कर दिया था। बड़ी संख्या में महिला व पुरुष पुलिस की तैनाती की गई थी, जिससे कोई टकराव की स्थिति ना हो। बता दें कि शाहीन बाग में CAA के खिलाफ प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। इसके बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2 वार्ताकारों को नियुक्त किया था। कोर्ट ने वार्ताकारों से कहा था कि वे प्रदर्शन स्थल पर जाकर प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन खत्म करने के लिए तैयार करें, लेकिन वार्ताकार इसमें सफल नहीं हो सके थे। इससे पहले शाहीन बाग में लोगों से 31 मार्च तक प्रदर्शन स्थल से दूर रहने और घर बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मुहिम को जारी रखने की अपील की गई थी। लोगों को सलाह दी गई थी कि वह मंच प्रदर्शन स्थल के आसपास एकत्रित न हो और कोरोना से बचाव के लिए हर संभव कदम उठाएं। वहीं रविवार को शाहीन बाग में किसी अज्ञात शख्स ने हमला कर दिया था। शख्स शाहीन बाग में पेट्रोल बम फेंक कर फरार हो गया था। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।